नमस्कार न्यूज 18 गुजराती में आपनु स्वागत छे, हूँ छु रिंकल। समाचार की शुरुआत करिए तो पीएम मोदी आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर समारोह में हाजर रहेशे। स्वर्णिम विजय मशालों सम्मान स्वागत समारोह में हाजरी आपशे। 1971 युद्ध 50 वर्ष पूर्ण थता विजय वर्ष समारोह गत वर्षे 16 डिसेम्बरे पीएमए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक अनंत ज्वाला की स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करी हती। आणंद में कृषि यूनिवर्सिटी में प्री वाइब्रंट कार्यक्रम आज पीएम राष्ट्रीय समिट समापन में संबोधन करवाना छे। पीएम खेडूतों ने वीडियो कॉन्फरेंस से संबोधित करशे। सवारे 11 वागे कृषि और खाद्य प्रक्रिया पर तेओ संबोधन करवाना छे। तो यूनिवर्सिटी में प्री वाइब्रंट कार्यक्रम चाली रह्यो छे। आणंद में कृषि यूनिवर्सिटी में प्री वाइब्रंट कार्यक्रम में पीएम संबोधन करवाना छे और खेडूतों ने तेओ वीडियो कॉन्फरेंस माध्यम थी संबोधित करशे। गौण सेवा पसंदगी मंडल पेपर लीक नो मामलो गृह विभाग में दिवस भर रह्यो बैठक नो धमधमाट। अत्यार सुधी 11 जेटला लोकोनी अटकायत करी देवामां आवी छे। पेपर लीक थयुं होवानुं पोलीस विभागनुं प्राथमिक अनुमान छे। उत्तर गुजरात आ पेपर लीकनुं एपीसेंटर होवानुं पण अनुमान छे। पोलीसनी 16 टीम हालमां कार्यरत थई चूकी छे। तो अत्यार सुधी 11 लोकोनी अटकायत पण आ मामले करी देवामां आवी छे अने पेपर लीक थयुं होवानुं पोलीस प्राथमिक अनुमान लगावी चूकी छे। कुल 16 जेटली टीम आ तपासमां लागी चूकी छे। तो पेपर लीक केसमां कार मुद्दे एक नवो ज वळाक सामे आव्यो छे। 11 થી 15 ડિસેમ્બરમાં आ कार गेरेजमां ज होवाना सीसीटीवी सामे आव्या छे। GJ1HR9005 नंबरनी आ इनोवा कार रिपेरिंगमां होवानुं निवेदन छे। 15 દિવસથી આ કાર રિપેરિંગમાં આવી હોવાનો ગેરેજ માલિકનું નિવેદન છે। ઇનોવા કાર પેપર લીકમાં વપરાઈ હોવાના આરોપ લાગ્યા છે। અહીંયા ઇનોવા GJ01HR9005 ગાડી મારા ત્યાં રિપેરિંગમાં આવેલી। અહીંયા લગભગ 14-15 દિવસથી પડેલી છે ગાડી। 11 થી 15 સુધી અહીંયા રિપેરિંગમાં છે, બધું ખોલેલું છે। અહીંયાથી ગાડી કોઈ જગ્યાએ હળી નથી। કેમેરા ફૂટેજ જોયા પછી આ બધું વિગત મીડિયાને મેં આપ્યું છે। આ હકીકત સાચી છે એ હું વોઇડ રહી આપું છું। મારી જ્યાં પણ જરૂર પડે હું આવવા માટે તૈયાર છું।